आज मैं आप लोगों के साथ मेरी फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है स्टर फ्राई वेजिटेबल्स विद टोफू। और ये वाली रेसिपी मैं हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार एज ए डिनर प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। तो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ मशरूम, और मशरूम को मैं ऐसे बड़ी बड़ी स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ। और अब ये गाजर को भी मैं चॉप कर लेती हूँ। ऐसे उसमें जितनी फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी ना, उतना ही खाने में मज़ा आता है। और ये कुछ बेबी कॉर्न भी मैं चॉप कर लेती हूँ। और अब ऐड कर देते हैं ब्रोकली। ये देखिए, चॉप की हुई बड़े बड़े फ्लोरेट्स में कटी हुई ब्रोकली भी मिल जाती है। इसको बस मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है ये, आपको चॉप करते हुए या तो फिर उसके क्रंच से ही पता चल जाती है कि सीधा फार्म से ही आई हुई है। कलर्ड बेल पेपर्स भी मैं ऐड कर देती हूँ। और ये जो जुकीनी हमारी आई थी ना ऑलरेडी चॉप, वो भी मैं ले लेती हूँ। ये देखिए कितनी सारी सब्जियाँ मैंने ली है, और जिसको चॉप करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट से भी कम लगे हैं। यही कमाल है किसान कनेक्ट का। चलिए अब फटाफट से स्टर फ्राई करते हैं और 5 मिनट में डिनर तैयार। अब मैं एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। आप चाहो तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस, जिसमें मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून ब्राउन शुगर। ये टोटली ऑप्शनल है, पर मुझे ये हल्की सी मिठास अच्छी लगती है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा स्वाद देगा स्टर फ्राई को। और अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ही सॉल्ट। सोया सॉस जो होता है वो बहुत सॉल्टी होता है, तो सॉल्ट जो हम ऐड करेंगे वो थोड़ा सा समझ के ऐड करेंगे। और ये जो मेरे पास है वो छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ टोफू है, जिसको मैंने हल्का सा ऑयल में, बस 2 बूंद ऑयल में स्टर फ्राई करके पहले से रखा हुआ है, ताकि ये जल्दी काम हमारा बन जाए, डिनर जल्दी तैयार हो जाए। आपके पास टोफू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये 3 से 4 कली चॉप की हुई लहसुन की है। मुझे तीखा पसंद है इसलिए मिर्ची ली है, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये मशरूम। पहले हार्ड वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अब मैं ऐड कर देती हूँ गाजर, बेबी कॉर्न एंड ब्रोकली, जुकीनी एंड कैप्सिकम हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि उसको पकने में टाइम नहीं लगता है। और इसी के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ ये मीडियम साइज़ का एक प्याज, जिसको भी हमने क्यूब्स में काटा हुआ है। और सारी सब्जियों को टॉस कर लेते हैं। हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस 5 से 7 मिनट ही पकाएंगे, ताकि उसका क्रंच बरकरार रहे। अब ये देखिए सब्जियों पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। ये देखिए मशरूम पे कितना प्यारा कलर आया है ना। बस यही टाइम पे मैं ऐड कर देती हूँ ये टोफू, और उसी के साथ ही जाएगी ये जुकीनी एंड बेल पेपर्स। और अब ये जो सॉस हमने तैयार किया था वो हम ऐड कर देंगे। एक्चुअली आपको जुकीनी और बेल पेपर्स थोड़े और पके हुए चाहिए, तो आप 5 मिनट पकाने के बाद सॉस ऐड कर सकते हैं, पर ये सारी सब्जियां मैं कच्ची भी खा सकती हूँ, तो मैं तुरंत ही ऐड कर देती हूँ। और अब सॉस ऐड करने के बाद हम बस 5 मिनट ही पकाएंगे, एंड देन डन। ये देखिए स्टर फ्राई वेजिटेबल्स तो बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट में डिनर रेडी हो गया है। फटाफट से इसकी प्लेटिंग करते हैं।
चलिए अब प्लेटिंग कर देते हैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स की। तो लीजिए तैयार है फटाफट बस 5 मिनटों में तैयार होने वाला स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। तो अगर आप भी ऐसी फ्रेश सब्जियां आपके और आपके घर वालों के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज ही किसान कनेक्ट की ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये सीधा फार्म से आपके घर पे डिलीवर होता है, ताकि ये जो सारे फ़ायदे हैं वो किसानों को मिले, बिचौलियों को नहीं। फ्रेश सब्जियों की ना मिठास ही कुछ अलग होती है। मज़ेदार स्टर फ्राई, 5 मिनट में डिनर तैयार।